अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक फोल्डेड टॉपिक को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं और आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय ज्ञान परंपरा। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने इस विषय को आप लोगों के सामने अनफोल्ड करूं, आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को और अधिक गति दें ताकि मैं कुछ नए विषय को लेकर के आप सब लोगों के सामने बार बार उपस्थित होता रहूं। तो चलें हम इस विषय की चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, एक हमारे यहां एक फैशन कह सकते हैं, शौक कह सकते हैं, या समटाइम्स विद्वत्ता की पराकाष्ठा कह सकते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ ली हो, अंग्रेजी में आप बात करने में निपुण हो, अंग्रेजी सिद्धांतों विचारधाराओं को आप भली भांति मानते हो, तो आप ही समाज के श्रेष्ठ विद्वान हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमें मैकॉले ने शिक्षा दी या मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने जिस प्रकार हमें अपने षड्यंत्र में बांधा, ट्रैप किया, तो उसका परिणाम यदि ऐसा है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दोष है। दोष मैकॉले शिक्षा पद्धति का है और उसके अनुकरण का है। इसका परिणाम यह रहा कि हम सब लोगों की जो मानसिकता है एक कॉलोनियल सिस्टम से पूरी तरह से मुग्ध कर ली गई, ट्रैप कर ली गई, मानो अपने आप में बांध सी ली गई। हमारे यहां मनोविज्ञान हो, मन स्वास्थ्य हो, मानसिक चिकित्सा हो, मनोरोग हो, इसके यहां शिक्षा पाश्चात्य पद्धति, पाश्चात्य चिंतन के आधार पर दी जाने लगी और हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे विद्वानों ने हमारे शास्त्रों में या हमारी प्राचीन परंपरा में या भारतीय ज्ञान परंपरा में मन आदि विषय में कोई बहुत अधिक चिंतन प्राप्त नहीं होता। और तब हमारे सामने 18वीं शताब्दी के जो लगभग 1793 और 94, दूसरे शब्दों में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के फिलिप पिनेल, एक फ्रांस मनोवैज्ञानिक को मनोविज्ञान के जनक के रूप में हमारे सामने आरोपित किया जाता है, व्यवस्थापित किया जाता है। 19वीं शताब्दी के बेंजामिन रश, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हमारे ऊपर आरोपित किया जाता है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी तो सिगमंड फ्राइड का रहा, जहां पर कि जिसके विषय में सर्वाधिक चर्चा होती रही। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे विषय में, हमारी प्रणाली में भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन परंपरा पर कहीं अधिक विमर्श नहीं हुआ और इससे ऐसा लगा कि हम लोग मनोविज्ञान के विषय में मौन है, गौण है और शायद बहुत अधिक चिंतन में रुचि नहीं रखते। मैं इन्हीं विषयों को आपके सामने स्थापित करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सारे के सारे विद्वान 15वीं शताब्दी के बाद ही होते हैं और मानो 15वीं शताब्दी से पूर्व किसी प्रकार का शास्त्रीय चिंतन या किसी प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन नहीं हुआ। वो इसलिए कि पुनः हमें कॉलोनियल सिस्टम में धकेल दिया गया, हमें पाश्चात्य सिद्धांतों के अध्ययन के लिए बाध्य किया जाता रहा,
हमें भारत में ही भारतीयों के मध्य ही बौना बनाए जाने का प्रयास होता रहा। अन्यथा जब से हमारे यहां शास्त्र ग्रंथ पुस्तक या साहित्य उपलब्ध हैं, तब से यह चिंतन हमें प्राप्त होता है, जब विश्व ने अपनी सभ्यता का उद्भव भी नहीं देखा होगा, तब हमारी ज्ञान परंपराओं ने इस पर इतना प्रायोगिक और इतना डीप में जाकर के चिंतन किया कि अन्यथा वह चिंतन हमें दुर्लभ सा प्रतीत होता है, कहीं अन्यत्र इतना डिटेलिंग आपको नहीं प्राप्त होगा। और इसका प्रथम उदाहरण है ऋग्वेद, जहां पर स्पष्ट पंक्ति है कि मनश्चिन मनसस्पति, कि जिसका मन का ज्ञान मनोविज्ञान स्वस्थ है वही मन का राजा है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। अर्थात मन चिंतन मन के विषय में वहीं से प्रारंभ होता है। हमारे यहां यजुर्वेद में कहा गया उसके 18वें अध्याय में कि यद् जाग्रतो दूर मुदयति देवं तद् सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मित्रों, आखिरी चरण को समझिए जहां कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या भाव है, क्या तात्पर्य है? कि वह मेरा मन सदैव कल्याणकारी संकल्प वाला हो, संकल्प से युक्त हो। अर्थात मन यदि स्वस्थ नहीं होगा तो मन में कल्याणकारी संकल्प या कल्याणकारी चिंतन उभर ही नहीं होता, उभरेगा ही नहीं। इसीलिए बार बार अभीष्ट देव से आराधना प्राप्त होती है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अन्य वेद भी इस विषय में चुप नहीं है, अन्य वेद भी प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनसि स्वस्थे रम्याणाम रमणीयता, कि मन के ही स्वस्थ होने पर सारा का सारा जो विषय है, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वह रमणीय लगती है। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो ये पूरा संसार ही आपको अस्वस्थ दिखेगा। और तभी तो आम भाषा में और लोक भाषा में हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती गंगा। अगर मन यदि आपका स्वस्थ है तो छोटी सी छोटी वस्तुओं में भी हमारा आनंद निहित है। इस मन चंगा तो कठौती गंगा, अगर इसकी समग्रता को हम जानें तो हमें चरक संहिता में स्पष्ट रूप से निदर्शन मिलता है, व्याख्यान मिलता है। सबसे पहले वो व्याख्या करते हुए कहता है कि हम मन का चंगा होना अर्थात स्वस्थ होना किसे कहते हैं, किस रूप में व्यक्ति अपने आप को यह अनुभव में लाए कि वह मानसिक दृष्टि से पूरी तरह से स्वस्थ है। तो चरक संहिता कहती है अपने सूत्र स्थानम इस चैप्टर में कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। क्या मतलब हुआ? हम दूसरी पंक्ति में आए, हालांकि सर्वत्र आप पाएंगे कि लिखा हुआ है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, यानी हमारे जीवन के हमारे शरीर के जितने भी विकार हैं वे समान रूप में हो, यानी कोई अधिक नहीं कोई कम नहीं। अगर दोष है वात पित्त कफ आदि तो तीनों समभाव में हो, ऐसा नहीं कि वात की मात्रा अगर अधिक है या कफ की मात्रा अधिक है या पित्त की मात्रा अधिक है तो हम आप सभी जानते हैं कि हमारी बेचैनियां कितनी बढ़ जाती है, हमारा मानसिक प्रभाव कितना नेगेटिव रूप में हो जाता है। तो यहां इस दृष्टि से जो दूसरी पंक्ति जो चरक संहिता की है उसको समझना ज्यादा है। कह रहे प्रसन्न आत्मा, यानी आत्मा प्रसन्न रहे, इंद्रिय प्रसन्न हो और मन प्रसन्न हो तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है, और वही मन चंगा है। और जब मन चंगा हो अर्थात व्यक्ति सर्व दृष्टि से हर प्रकार से मनुष्य यदि प्रसन्न हो तो वही मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। हमारे शास्त्र में ऐसा
उल्लेख मिलता है, खास करके जब आप सर्वदर्शन संग्रह में आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट उल्लेख मिलेगा कि रोग होता है यह सत्य है, लेकिन जो रोग होता है वो कहां होता है हमें उसका भी बोध होना चाहिए। जहां रोग होता है वहां रोग होने का कारण क्या है इसका ज्ञान होना चाहिए हमें, और जब ये कारण का हमें ज्ञान होता है तब जाकर के हम उसके निदान, उसके निरोध आदि का उपाय करते हैं। और इसी सिद्धांत पर बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग के सॉरी बौद्ध दर्शन का जो आर्य चतुष्टय है उसकी उद्भूति, उसका उद्भव देखा जाता है। और उसी प्रकार यदि मन के बारे में हम बात करें तो मन का रोग होता है आए दिन हमें हेडेक, आए दिन हमें माइग्रेन, ये तो शारीरिक रोग है, लेकिन किसी भी चीज में मन नहीं लगना, नेगेटिव भावनाओं का उदय होना, डिप्रेशन होना, मन का अपने वश में नहीं होना, मन चंचल होना, किसी एक विषय पर ध्यान को अवस्थित करके नहीं रख पाना, और जिसके कारण हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अन्य लोगों से पीछे होते चले जाते हैं, प्रतियोगिता में पिछड़ते चले जाते हैं। यहां प्रतियोगिता से मतलब पढ़ाई की प्रतियोगिता नहीं है, यहां प्रतियोगिता से तात्पर्य सर्वाइवल की परेशानी है, सर्वाइवल का द्वंद्व है, सर्वाइवल का संघर्ष है। तो उसी प्रकार मन का रोग होता है, और मन होता है कहां, मस्तिष्क में, हमारी तंत्रिकाओं को का जो पूरा का पूरा एकत्रीकरण जहां होता है, और उसके कारण क्या है। तो इनके कारणों का निदान और इनके कारणों का जो बखूबी अन्वेषण है हम इसे भगवद गीता में देख, हमने गीता में मन के अस्वस्थ होने के कारणों का अनुसंधान किया। और यह मेरा अनुसंधान नहीं है बल्कि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके हर पद्य को प्रायः सारे भारतीय जानते हैं। और जो मैं कारण आपके सामने कह रहा हूं यह भी कोई नया कारण नहीं है, बल्कि अपने इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक उदाहरण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा किस रूप में हमारे मन को ग्रहण करता है और मन के विषय में सावधान है। अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता के दूसरे अध्याय में उन्हीं कारणों को एकत्रित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यते। देखिए ये मन के विषय में चिंतन है, और देखिए किस प्रकार जोड़िए एक एक चीज को। कहते हैं पुंसः यानी पुरुष की आसक्ति विषयों को ध्यान में करते हुए उत्पन्न होती है, यानी बार बार किसी ऐसे विषय को आप अपने चिंतन में लाएंगे, डिजायर को लाएंगे, अपनी कामनाओं को लाएंगे, काम भाव से युक्त आएंगे विषयों के प्रति, इस प्रकार निरंतर चिंतन निरंतर ध्यान करते हुए उनमें हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। सुबह से मन में है कि आज हमने अमुक वस्तु अमुक खाद्य वस्तु नहीं खाया, सुबह से मन में चिंतन 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 रहता है, और अंत में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि शाम होते होते हम ऑर्डर कर देते हैं उस खाद्य वस्तु का और उसे हम खाते हैं। तो संगह तेषु बजायते संगात संजायते कामः, और जहां आसक्ति होती है वहीं हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे काम भाव प्रबलित होते हैं। और जहां कामना होती है, जहां काम होता है, और अगर उस कामना की पूर्ति नहीं होती तो कामा क्रोधो भी जायते, उसे क्रोध उत्पन्न होता है, अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध से हम इग्नोरेंट होते हैं, सम्मुग्ध होते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब उसमें हम डूब जाते हैं, उस सम्मोह में चले जाते हैं, मोह में चले जाते हैं, तो हमें स्मृति विभ्रम होता है, स्मरण शक्ति हमारी क्षीण पड़ने लगती है, कर्तव्य कर्तव्य का हम विवेक नहीं कर पाते, हमें आज क्या करना चाहिए ये तक हम भूल जाते,
और स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः। और जब हमारी स्मृति विनष्ट हो जाती है तो हमारा बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशाद विनश्यति। और जब जिस व्यक्ति की बुद्धि चली जाती है उसका सर्वस्व विनष्ट हो जाता है। अब देखिए ये मानसिक प्रभाव है, ये मन की क्रियाएं हैं, किस प्रकार हम अपने आप को जो वास्तविक जहां पर हमें होना चाहिए उनसे हम कोसों दूर चले जाते हैं, अपने कर्तव्य पथ से हम विमुख हो जाते हैं। और यही नहीं, देखिए इसको अन्य दृष्टि से भी हमें समझा जाना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बार बार ये समझाया जाता है कि जिस क्षण मनुष्य जन्म ग्रहण करता है उसी क्षण यानी जन्म से पहले से ही हमारे 6 शत्रु विद्यमान रहते हैं, जिसे भारतीय परंपरा ने अरिषड वर्ग कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। यानी व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है और उनमें ये सारी भावनाएं उनके चाली आ जाती हैं, उनके व्यक्तित्व को विनष्ट करने के लिए हम काम के वशीभूत होते हैं, क्रोध के वशीभूत होते हैं, लोभ के वशीभूत होते चले जाते हैं, मोह के वशीभूत होते चले जाते हैं, मात्सर्य के वशीभूत चले जाते हैं, द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। और जहां इन 6 के 6 वशीभूत होते हैं वहीं पर व्यक्ति जो होता है इस संसार से बाहर का व्यक्ति कहलाने लगता है। वो कभी प्रतिनायक बनता है, कभी खलनायक कहलाता है, या समाज का एक असफल व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से विकीर्ण हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। ये कारण है, इनके कारणों का अन्वेषण हमें प्राप्त होता है, इनके कारणों के ऊपर भी हमें चर्चा दिखाई देती है। इसके साथ आगे देखिए, हालांकि इनके कारणों का निदान भी है लेकिन उससे पूर्व हम और जाने। देखिए हमें हमारे शास्त्रों में हमारे 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक को कहा जाता है आधि और दूसरे को कहा जाता है व्याधि। व्याधि वह है जिसे हम शारीरिक रोग कहते हैं। शारीरिक रोग से तात्पर्य यह है घाव हो जाना, फोड़ा हो जाना, किसी अन्य ऐसी चीजों को जिसे हम बाह्य दवाई से ठीक कर सकते हैं या जिसे हम अपनी आंखों से अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं। और दूसरे प्रकार की बीमारी है जिसको कहते हैं आधि, आधि यानी मानसिक रोग। अभिज्ञान और शकुंतलम में महाकवि कालिदास 4th अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है तो शकुंतला को उपदेश देने के क्रम में महर्षि कण्व कहते हैं कि जो अमुक अमुक बातों पर आचरण करके जो स्त्री चलती है वह गृहिणी पद को प्राप्त होती है, अर्थात पूरे परिवार और समाज की सबसे सम्माननीय नारी के रूप में गिनी जाती है। लेकिन जो उनका आचरण नहीं करती, अर्थात अपने गुरुजनों का आदर नहीं करती, अपने छोटों से प्यार नहीं करती, सेवकों के ऊपर में दया भाव नहीं रखती, साथ में जो सखी सहेलियों के साथ मित्रतावत व्यवहार नहीं करती, वह जो नारी होती है, वह जो स्त्री होती है, वह समाज के लिए मानसिक रोग है। अर्थात मानसिक रोग केवल स्वयं का रोग नहीं होता बल्कि पूरे पर्यावरण का रोग होता है। तो ये आधी के रूप में वहां पर महाकवि कालिदास ने उसे कहा है। और इसकी चर्चा हमें पूरे जितने भी चाहे आयुर्वेदिक शास्त्र देख लें या अन्य कोई भी शास्त्र देख लें, सर्वत्र इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो अब यहां देखें कि किस प्रकार गीता में उसे समझाते हुए कहा गया कि कैसे इसका निदान हो सकता है, इन कारणों का उपाय कैसे ढूंढा जा सकता है। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सहज इसका कहा गया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जिसने सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया, इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो किसी डिजायर के अधीन नहीं है, हे पार्थ, हे अर्जुन, अर्जुन यहां प्रतीक है मानव मात्र का, अर्थात हे मनुष्यो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो स्वयं में स्वयं से संतुष्ट रहता है वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और स्थित प्रज्ञ का इस संदर्भ में मैं किसी दार्शनिक अर्थ नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ आपको देते हुए बता रहा हूं कि वही व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करता है, और मन उनका अपने वश में यदि होता है तो इस प्रकार के किसी भी मनोविकार, किसी भी प्रकार के मनोरोगों के अधीन वह अपने को नहीं पाता है। अर्थात हमें अपनी तृष्णा पे नियंत्रण करना, हमें अपनी चाहत को नियंत्रित करना, हमारी अपनी इच्छा को बलवती नहीं होने देना, ये सारी चीजें जो है एक स्वस्थ मन के लिए परम आवश्यक है।
इसके साथ अगर हम योग परंपरा में जाएं, अगर योग की दृष्टि से इसकी चिंता करें, इसका चिंतन करें, तो योग में तो खैर भरा पड़ा है। पहला ही जो दूसरा ही सूत्र है योग दर्शन का, वही कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको निरुद्ध कर लेना ही योग है। अर्थात किसी भी प्रकार का जो मानसिक विचलन उत्पन्न होता है, उस विचलन को नियंत्रित करना ही मानो क्या है, योग है। और तभी उस योग को आधार बना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योह समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समभाव, और समभाव वही होता जहां किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं होती। तो ऐसे तृष्णाओं का विजय करना, और वो तृष्णा क्या है, मन का शांत होना, मन को समत्व भाव में रखना। और तब जाकर के हमें बताया जाता है कि मनः प्रशमनोपायः, जो मन की जो शांति का उपाय है, मन को जो ध्यानस्थ करने का उपाय है, मन को जो नियंत्रित करने का उपाय है, मन को मनोरोग से बाहर ले जाने का जो मनश्चिकित्सा है, वही योग इत्यभिधीयते, वही योग कहलाता है। तो गीता इस प्रकार, गीता के साथ साथ योग, मैंने अभी केवल इन्हीं दोनों का उदाहरण लिया, लेकिन अंत में एक जो सबसे बड़ी और व्यापक पंक्ति है, जिसे हम ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने मन को कितना अधिक महत्व दिया है, और किस प्रकार मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट हमारे सामने प्रमोट किया है, हमारे सामने थ्रो किया है, वो जानना बहुत जरूरी है। वह चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे अमृत बिंदु ताप नियोपनिषद हो, एक स्वर में तीनों के तीनों ग्रंथ यही कहता पाया जाता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। अब यहां मुक्ति जो है, इसका हम तात्कालिक अर्थ उस परम तत्व के का साक्षात्कार ना लेकर के यदि सांसारिक अर्थ यह समझें कि संसार के सारे दुखों के अधीन ना होना, यह मुक्ति है। तो मन एव मनुष्याणाम, यह हमें हमारा मन है जो हमें विषयों से आसक्त करता है और दुख का कारण बनाता है, और यह हमारा मन है जो सारे विषयों से डिटैच करता है, जिसके कारण हमारा मन जो स्वस्थ है, प्रसन्न रहता है। और मन की प्रसन्नता, मन का स्वस्थ होना ही वस्तुतः क्या है, हमारे लिए मुक्ति है। और वो मुक्ति हर प्रकार के दुखों से छुटकारा है, चाहे वो मानसिक रोग ही क्यों ना हो। तो मित्रों, हम अंग्रेजी के शब्दों के माध्यम से अपने समाज और अपने चिंतन की व्याख्या कर बैठते हैं, मेंटल हेल्थ। फिलिपिनेल, बेंजामिन रश आदि लोगों का हम नाम ले बैठते हैं, लेकिन यदि हम अपने शास्त्र का अवगाहन करें तो हमें ऐसे किसी बेंजामिन रश या ऐसे किसी फिलिपिनेल या सिमन फ्राइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए एकमात्र सोर्स है, वह है भारतीय ज्ञान परंपरा, और जिसके विषय में हम केवल आपके सामने इतनी सी बात कह सकते हैं कि जिन खो जाती न पाइयां गहरे पानी बैठ, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। और उस ज्ञान परंपरा के फोल्डेड विषयों को अनफोल्ड करने के लिए आप लोगों के लिए यह चैनल अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और नए विषय को लेकर के आप लोगों के सामने बहुत ही शीघ्र उपस्थित होता हूं।